हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी के बारे में। यहाँ पर दोस्तों ओपन बॉक्स डिलीवरी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी तक आपको पता नहीं होगी या मोस्टली लोगों को पता नहीं होती है। वहाँ पर उनको केवल एक ही चीज़ पता होती है कि हाँ, फ्लिपकार्ट की एक सर्विस है जहाँ पर हमको जो डिलीवरी बॉय है वो बॉक्स ओपन करके बताता है, हम प्रोडक्ट को अच्छी तरह से देख लेते हैं और रिसीव कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो आपको नहीं मालूम होगी, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली मैंने अभी फ्लिपकार्ट से एक HP का पवेलियन गेमिंग लैपटॉप परचेस किया है जिसकी कॉस्ट है 50,000 रुपए। यहां पर दोस्तों मैंने पेमेंट ऑनलाइन कर दिया था, तो ओपन बॉक्स डिलीवरी को मैंने काफी अच्छी तरीके से समझा, उसके टर्म्स एंड कंडीशन भी काफी अच्छी तरीके से पढ़े। और यहां पर दोस्तों मैंने जब लैपटॉप परचेस किया तो मुझे ओपन बॉक्स डिलीवरी को अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करने का मौका मिला और वहां पर मुझे इस ओपन बॉक्स डिलीवरी के बारे में काफी सारी चीजें पता चली। तो इस वीडियो में मैं वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और अगर आप भी फ्लिपकार्ट से कोई कॉस्टली गैजेट परचेस करते हैं जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन वगैरह, टीवीज वगैरह, तो यहां पर दोस्तों फ्लिपकार्ट की ओपन बॉक्स डिलीवरी में आपको उसको किस तरीके से चेक करना चाहिए, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, डिलीवरी बॉय के क्या रूल्स होते हैं और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सारी बातों के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर दोस्तों मैं अमेजन और फ्लिपकार्ट और ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड काफी सारे वीडियो लेकर के आता रहता हूं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहां पर दोस्तों आप जब भी कोई कॉस्टली गैजेट परचेस करते हैं तो वहां पर आपको एक पॉपअप लिखा हुआ आता है कि आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर ओपन बॉक्स डिलीवरी का सपोर्ट मिल रहा है, यहां पर आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी दी जा रही है। अब दोस्तों ओपन बॉक्स डिलीवरी के अंदर आपको क्या कुछ करना होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं कि ये होती क्या है। यहां पर दोस्तों जब भी आप कोई कॉस्टली गैजेट करते हैं, यहां पर दोस्तों अब तो 1500-2000 रुपए के जो ईयरफोन आते हैं उनके ऊपर भी ओपन बॉक्स डिलीवरी आने लगी है, पहले नहीं आती थी। लेकिन दोस्तों ये 1500-2000 रुपए तक के प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन दोस्तों जब आप 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन डिस्काउंट काफी ज्यादा मिलता है, इसलिए ज्यादातर कॉस्टली गैजेट आजकल लोग ऑनलाइन भी परचेस करने लगे हैं। अब यहां पर दोस्तों जब आप ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप COD करें या कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करें, या दोस्तों यहां पर दूसरा ऑप्शन होता है कि आप प्रीपेड पेमेंट करें। अब यहां पर मोस्टली केसेस में क्या होता है दोस्तों कि डिलीवरी के ऊपर कार्ड पेमेंट पर हमें ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो ज्यादातर हम प्रीपेड ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं। अब ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास में एक OTP आता है, जब तक हम वो OTP डिलीवरी बॉय को नहीं देंगे वो दोस्तों यहां पर डिलीवरी को डन नहीं कर पाएगा। और वो OTP इसलिए होता है कि हम पहले यहां पर ओपन बॉक्स डिलीवरी के थ्रू अपने प्रोडक्ट को चेक कर ले। अब यहां पर क्या क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बॉक्स है वो आपके पास में आया है वो बिल्कुल सील्ड पैक है, कहीं से खुला हुआ नहीं है। अगर पहले से ही ऑलरेडी वो बॉक्स ओपन है तो फिर आप उस बॉक्स को डिनाई कर सकते हैं, डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और यहां पर दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से चेक करनी है कि डिलीवरी बॉय जो बॉक्स ओपन कर रहा है वो जब उसने अपने बैग में से बाहर निकाला था वो अच्छी तरह से सील्डेड है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो जो डिलीवरी बॉय हो वो कहीं से ओपन करके लाया हो और आपके सामने उसको ऐसे ही ओपन कर रहा हो। आपको ये चीज चेक कर लेनी है कि जो बॉक्स है वो अच्छी तरीके से सील्ड होना चाहिए। और दूसरा ये होता है दोस्तों कि काफी बार क्या होता है कि जो डिलीवरी बॉय होता है वो आपसे आकर के पहले ही OTP मांग लेता है कि आप पहले OTP बता दीजिए ताकि मैं आपका जो कौन सा बॉक्स है वो सर्च करके निकाल सकूं। तो ऐसा दोस्तों नहीं होता है, आपको पहले OTP नहीं देना है। मेरे यहाँ जो डिलीवरी बॉय आया था उसने भी यही चालाकी करने की कोशिश करी, उसने पहले मुझसे OTP मांगा, लेकिन मुझे पता था कि OTP पहले नहीं देना होता है, बॉक्स ओपन करके सारी चीजें अच्छी तरीके से चेक करने के बाद में OTP देना होता है। तो मैंने उससे कहा पहले बॉक्स निकालो, अच्छी तरीके से मुझे दिखाओ, फिर उसके बाद में ओपन करो, उसके बाद OTP मिलेगा। फिर उसने बॉक्स को ओपन किया और यहां पर आप देख सकते हैं मैं कुछ क्लिपिंग उसकी ऐड कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। उसने अपनी गाड़ी पर बैठकर के अच्छी तरीके से बॉक्स को ओपन किया, पहले फ्लिपकार्ट की पैकिंग निकली, उसके बाद में दोस्तों यहां पर जो HP की पैकिंग थी वो निकली उसके अंदर उसके सामने, उसके बाद में मैं उसके पास खड़ा हो गया और सील को मैंने अच्छी तरीके से चेक किया, मेरे सामने ओपन किया, और उसके बाद में जो एक्सेसरीज थी यानी कि लैपटॉप के साथ में केवल चार्जर आता और कुछ आता नहीं है, तो चार्जर को मैंने चेक किया, लैपटॉप को अपने हाथ में लेकर के अच्छे से चेक किया कि कहीं स्क्रेचेस वगैरह तो नहीं है। उसके बाद में जो डिलीवरी बॉय है उसने हिंज को ओपन करके मुझे बताया और उसने खुद ही ऑन भी कर दिया। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज होती है, कई बार दोस्तों क्या होता है कि फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को ऑन करने से मना कर देते हैं कि आपको प्रोडक्ट को ऑन नहीं करना है, केवल आप चेक कर लीजिए। तो यहां पर दोस्तों ये सही है क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज लिखी होती है कि यहां पर ओपन बॉक्स डिलीवरी में केवल ये चीज कवर होती है कि जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो प्रोडक्ट सही है, रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं मिला है। दूसरा, यहां पर भी वो प्रोडक्ट किसी भी तरीके से फिजिकली डैमेज नहीं है, उसके साथ में जो एक्सेसरीज आती है वो एक्सेसरीज पूरी तरीके से प्रॉपर है। बस यही चीज को जो फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय है वो चेक कराते हैं, बाकी दोस्तों यहां पर प्रोडक्ट वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, ऑन हो रहा है या नहीं, या उसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है, ये चीजें यहां पर फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय चेक नहीं कराते हैं। अब यहां पर दोस्तों जब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर प्लेस करते हैं और वहां पर जो ओपन बॉक्स डिलीवरी का पॉपअप आता है वहां पर यह चीज आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी कि जो डिलीवरी बॉय है वो प्रोडक्ट को ऑन करके नहीं बताएगा। अब यहां पर क्या होता है कि कुछ कुछ डिलीवरी बॉय को ये चीजें पता ही नहीं होती कि क्या होता है, तो वो ऑन करके भी बता देते हैं। मेरे केस में भी उसने डिलीवरी बॉय ने ही लैपटॉप खुद ही ओपन कर दिया था, तो
ये चीज भी अच्छी हो गई कि मुझे वही पता चल गया कि मेरा लैपटॉप ऑन हो रहा है या नहीं, चालू हो रहा है या नहीं। तो अच्छी तरीके से लैपटॉप ऑन हो गया, उसके बाद ही मैंने उसको OTP दिया। अब यहां पर दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब ये प्रोसेस हो रहा है, वो ओपन बॉक्स डिलीवरी आपके साथ में ओपन कर रहा है, तो आपके पास में जो स्मार्टफोन है उसमें भी आप उसका प्रॉपरली वीडियो रिकॉर्ड करें। अब यहां पर दोस्तों कुछ मेन चीजें आती है, उनको आपको ध्यान रखना जरूरी है, उसकी वजह से आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहां पर क्या होता है दोस्तों कि जब आपने प्रोडक्ट ले लिया, अब यहां पर डिलीवरी बॉय क्या करते हैं, कई बार कि आपको प्रोडक्ट को ऑन करके नहीं बताते हैं, और वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन में भी नहीं है इसलिए नहीं बताएंगे। लेकिन क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑन नहीं हो रहा है, या फिर दोस्तों यहां पर कुछ और प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि कोई की वगैरह वर्क नहीं कर रही है, पावर बटन वगैरह, स्क्रीन यहां पर ब्लिंक कर रही है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि अगर आपने एक बार ओपन बॉक्स डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ होता है कि जो सेलर है वो आपका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को पूरी अच्छी तरीके से चेक कर लिया है। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों कि अगर ऑन करने के बाद में या दूसरे तीसरे दिन लैपटॉप के अंदर या किसी भी और डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो आप यहां पर अगर रिटर्न इनिशिएट करने जाएंगे तो वहां पर आपका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगा। वहां पर क्या होगा कि आपको एक सर्विस बुक करना पड़ेगी, आप जैसे रिटर्न करने जाएंगे तो वहां पर आपको एक सर्विस बुक करना पड़ेगी, उसके बाद में फ्लिपकार्ट का जो सर्विस बॉय है वो आपके पास में आएगा, उस प्रोडक्ट को चेक करेगा, और अगर उससे वो प्रोडक्ट ठीक होता है तो वो ठीक करेगा या सर्विस सेंटर ले जाकर के ठीक कराएगा, और अगर वो प्रोडक्ट ठीक नहीं होता है तो फिर उसके बाद में आपको रिफंड दिया जाएगा या फिर रिप्लेसमेंट दिया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने एक बार डिलीवरी ले ली ये, और अगर आप चाहते हैं कि 4-5 दिन बाद आप यहां पर उसको रिप्लेस करवा सकते हैं, तो ये चीज यहां पर नहीं होती है। ये चीज मेरे एक फ्रेंड के साथ में हो चुकी है, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर है, मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने बातचीत की तो उनको काफी सारी प्रॉब्लम आई है। और अभी रिसेंटली कमेंट में एक लड़के से मेरी बात हो रही थी, उसने एक लैपटॉप परचेस किया है सेम HP का पवेलियन, और उसकी क्या प्रॉब्लम आई कि दोस्तों अभी उसने दिसंबर के महीने में लैपटॉप परचेस किया है, और उसके लैपटॉप की जो वारंटी है वो जुलाई 2022 से ही शुरू हो चुकी है। मतलब कि दोस्तों वो जो लैपटॉप उसको मिला है या तो वो रिटर्न प्रोडक्ट है, या फिर दोस्तों उस प्रोडक्ट को पहले यूज किया गया है उसके बाद में उसके पास में भेजा गया है, ये चीज दोस्तों यहां पर उसके सामने आ रही है। मैंने उसको HP केयर का सर्विस सेंटर नंबर दिया, वारंटी कैसे चेक करना, वो सारी चीजें बताई। तो अब देखने वाली बात ये थी कि उसका रिप्लेसमेंट होता है या नहीं। अभी दोस्तों रिप्लेसमेंट पीरियड ही चल रहा है, 6-7 दिन हुए नहीं है पूरे, 2-3 दिन ही हुए हैं डिलीवरी को आए हुए, तो यहां पर हो सकता है कि उसका रिप्लेसमेंट हो जाए। लेकिन दोस्तों यहां पर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ में भी आ सकती है। तो अब यहां पर दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं जिसकी 1 साल या 6 महीने की वारंटी है, तो यहां पर जो उसकी वारंटी है वो इनवॉइस डेट से स्टार्ट होती है, इनवॉइस पर ऊपर जो डेट डली हुई है, डिलीवरी डेट से स्टार्ट नहीं होती है। और जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करें तो उसकी ऑनलाइन वारंटी जरूर चेक कर लें, अगर ऑनलाइन वारंटी उसकी 3-4 महीने पहले से आ रही है तो फिर दोस्तों यहां पर आपको पूरी वारंटी नहीं मिलेगी, तो तुरंत उसका रिटर्न रिप्लेसमेंट जो भी आप फ्लिपकार्ट से कॉन्टैक्ट करके और जरूर करवाएं। इसके अलावा एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई ऐसा होम अप्लायंसेस परचेस कर रहे हैं जिसके अंदर जो डेमो इंस्टॉलेशन है वो बाय ब्रांड के द्वारा किया जाता है, फ्लिपकार्ट की किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है, और आप अगर उसको ओपन कर लेते हैं, बॉक्स को ओपन कर लेते हैं प्रोडक्ट को देखने के लिए या खुद ही इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ऐसे में भी दोस्तों वारंटी अवॉइड हो जाती है, और उसके बाद में दोस्तों वारंटी पीरियड के अंदर या रिप्लेसमेंट पीरियड के अंदर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको रिटर्न या रिप्लेसमेंट नहीं करवा पाएंगे, उसमें भी आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ऐसे में दोस्तों इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी प्रोडक्ट के साथ में फ्री इंस्टॉलेशन आता है, जैसे कि मोस्टली आप टीवी परचेस करते हैं तो ज्यादातर टीवी के साथ में आपको फ्री इंस्टॉलेशन देखने को मिलता है, तो वो दोस्तों आपको ब्रांड के ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा ही करवाना है, खुद से सारी चीजें नहीं करना है, चाहे आपको करना आता हो तब भी आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो यहां पर एक तो फिजिकल डैमेज अगर कोई बॉक्स में से निकलता है तो उसके लिए फिर आप जिम्मेदार होंगे, वहां पर ब्रांड उसको वारंटी में कवर नहीं करेगा, और दूसरी चीज उसके अंदर कोई टेक्निकल इशू हुआ तो भी दोस्तों आपको यहां पर रिप्लेसमेंट करवाने में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों ओपन बॉक्स डिलीवरी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, और ओपन बॉक्स डिलीवरी के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।